हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यदि इंडिया के अंदर छोटे परिवार वाले को कोई कार खरीदने का मन होता है तो उनका ध्यान अल्टो की तरफ आकर्षित होता है, या कहें उनको ऐसा लगता है कि अल्टो ही एक बेस्ट विकल्प है। पर फ्रेंड, इंडिया की सबसे सस्ती कार लॉन्च हो गई है जिसका नाम है डेटसन रेडिगो फेसलिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, यह कार वाकई में अल्टो को टक्कर देने आ गई है। वाकई में इंडिया के लोगों को जिस कीमत का और जिस गाड़ी का इंतजार था वो आ गई है। जी हाँ दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में सारी बातें को कवरेज किया गया है। यदि आपने इस वीडियो को कम्प्लीट देख लिया तो डेटसन रेडिगो फेसलिफ्ट के बारे में आपको और कहीं वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते। सब्सक्राइब कर लीजिए राज व्हीकल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात की जाए इसके वेरिएंट के बारे में, तो ये आपको चार वेरिएंट में अवेलेबल रहेगी, डी ए टी टी ओ। जी हाँ दोस्तों, डी वेरिएंट इसका बेस वेरिएंट है और टी ओ वेरिएंट इसका सबसे टॉप वेरिएंट है। ये चारों वेरिएंट को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इन चारों वेरिएंट की मैं प्राइस भी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। डेटसन रेडिगो फेसलिफ्ट के बारे में बात करते हैं डिजाइन की। इसमें आपको फ्रंट में ब्रेक ग्रिल देखने के लिए मिलेंगे और इसके पास में क्रोम फिनिश देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इसके लुक को दो गुना बढ़ावा देंगे। फ्रंट में ऊपर में आपको हेडलाइट देखने के लिए मिलेगी, उसके पास में इंडिकेशन लाइट और उसके जस्ट नीचे देखा जाए तो एल साइज में आपको एलईडी डीआरएल देखने के लिए मिलेगा। रेडिगो फेसलिफ्ट के बारे में बात करते हैं व्हील बेस की। इसमें आपको 2348 mm का व्हील बेस देखने के लिए मिलेगा। लंबाई की बात की जाए 3435 mm इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात की जाए 1574 mm इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई की बात की जाए 1546 mm इसकी ऊंचाई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए 187 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। बूट स्पेस की बात की जाए 222 या 222 लीटर का बूट स्पेस इसमें बनाया गया है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। पुरानी डेटसन से काफी अलग इसका इंटीरियर बनाया गया है। फ्रंट डैशबोर्ड में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, मैनुअल एसी और हीटर जैसे कई ऑप्शनल आपको फीचर देखने के लिए मिलेंगे। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए इसमें आपको फ्रंट में 2 सीट, वहीं पीछे की ओर देखा जाए तो 3 सीट लगाई गई है, या कहीं 5 सीटर कार बनाई गई है। अब बात की जाए इंजन के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, इस कार को BS6 इंजन में लॉन्च कर दिया गया है। इसमें दो टाइप के इंजन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला इंजन है 0.1 लीटर का पेट्रोल इंजन, वहीं सेकंड इंजन है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन, और दोनों ही इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आएंगे। माइलेज की बात की जाए 22 से लगा के 25 किलोमीटर पर लीटर इसका माइलेज है, या कहूं 22 से लगा के 25 किलोमीटर पर लीटर इसका माइलेज रहेगा। अब बात की जाए सेफ्टी फीचर के बारे में। इसमें आपको फ्रंट में 2 एयरबैग देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर। इसके अलावा टॉप वेरिएंट में आपको पार्किंग कैमरा भी देखने के लिए मिलेगा। अब जानते हैं इसकी प्राइस और ये आपको कहां पर मिलेगी। लॉन्च डेट की बात की जाए, ये इंडिया के अंदर लॉन्च कर दी गई है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये शोरूम पे मिलना भी चालू हो जाएगी। प्राइस की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चार वेरिएंट में अवेलेबल है। इसका बेस वेरिएंट यानी कि डी, इसकी प्राइस रहेगी 2,83,000। उसके बाद आता है ए वेरिएंट, इसकी प्राइस रहेगी 3,58,000। वहीं आता है टी वेरिएंट, जिसकी प्राइस रहती 3,80,000। और उसके बाद में टी यानी कि ऑप्शनल वेरिएंट आता है, जिसकी प्राइस रहती है 4,16,000। ये इसका टॉप वेरिएंट है। ये सब प्राइस एक शोरूम प्राइस है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी बताने की कोशिश की। यदि इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। बाय बाय।